वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसे शो फॉर्म में MGF भी बोला जाता है, दैट इज MGF। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए क्या है? सपोज F जो है एक रैंडम वेरिएबल है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की नोटेशन होगी कुछ इस तरीके से। मतलब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल X, और किसका फंक्शन होगा? T का फंक्शन होगा। दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to the power tx। अगर आपको मूवमेंट निकालनी है तो आपको क्या करना है? एक्सपेक्टेशन निकालनी है। किसकी? e raised to the power tx की। अब हमें ये पता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट, मतलब क्या है कि अगर x जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो एक्सपेक्टेशन हो जाएगी दिस इज इक्वल टू e raised to the power tx into में fx हो जाएगी, जहां ये f है वो किसका काम कर रहा है? PMF का काम कर रहा है। और अगर x क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to the power tx कितना हो जाएगा? दिस इज इंटीग्रल ऑफ e raised to the power tx fx और dx, इसका इंटीग्रल हो जाएगा। यहाँ जो f है वो किसका काम कर रहा है? PDF का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंशन खोलते हैं किसका? मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है? दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to the power tx। e raised to the power x का हमें एक्सपेंशन पता है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to the power tx करें तो सबसे पहले आप e raised to the power tx का एक्सपेंशन खोलो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस में tx प्लस में कितना हो गया? t स्क्वायर x स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस कितना हो जाएगा? t क्यूब x क्यूब बाय में कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल एंड सो। अब हमें ये पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ f प्लस g दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ f प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या हो जाता है? g। प्लस सम की एक्सपेक्टेशन निकालो या फिर एक्सपेक्टेशन का सम निकालो, दीज आर इक्वल। तो ये बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस t टाइम्स t, कांस्टेंट होगा इस केस में क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है ओनली डिपेंड करेगी रैंडम वेरिएबल पर। दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस t स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस t क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब एंड सो। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 देखते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 जो है वो होती है दिस इज इक्वल टू 1। एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू दैट नंबर। तो एक्सपेंशन क्या बन जाएगा? मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस t टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस t स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस t क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब एंड सो। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन होगी। अब हमें ये पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल x इनटू में fx dx इन केस ऑफ कंटीन्यूअस, और सम डिस्क्रीट की बात करें तो ये हो जाएगा x इनटू fx का समेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो गई। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की बात करें, डिस्क्रीट के केस में बात करें, तो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू में fx हो जाएगा। ठीक है, क्यूब के केस में बात करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब दिस इज इक्वल टू समेशन x क्यूब इनटू में fx। डिस्क्रीट के केस में f किसका काम कर रहा है? PMF का। PMF याद हो उसको हमने नोटेशन दी थी PI से, दैट इज xi इनटू में PI जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर और इनटू में PI का जो है प्रोडक्ट का सम है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x क्यूब एंड देयर PMF, corresponding PMF से मल्टीप्लाई करना है।
याद हो हमने चैप्टर किया था, इसमें आप लेक्चर देख सकते हो मूवमेंट का, जिसके अंदर हमने मूवमेंट अबाउट ओरिजिन देखा था। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन को हमने न्यू से डिनोट किया था, जब एक्स आई पी आई का समीशन है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट इज फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट को नोटेशन थी, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट की नोटेशन थी, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब जो है थर्ड सेंट्रल मूवमेंट की नोटेशन थी। तो यानी क्या बन जाएगा, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टी टाइम ऑफ न्यू 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ न्यू 2 प्लस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल टाइम ऑफ न्यू 3 एंड सो। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन आर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t raise to the power r by r factorial और into में न्यू आर हो गया। तो न्यू आर आप देख सकते हो, न्यू आर दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x raise to the power r, क्योंकि यही हमने बोला कि x cube दिस इज न्यू 3, न्यू 2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x here, न्यू 1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x raise to the power 1। यानी न्यू आर दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर आर। ठीक है, तो यानी जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो एक सीरीज एक्सपेंशन है किसका, टी रेज टू द पावर आर, आर फैक्टोरियल इनटू में क्या है न्यू आर। यानी आप इसको थोड़ा हम और डिस्कस करते हैं, तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की सीरीज लिखते हैं। सबसे पहले this is equal to 1 plus t times of new 1 plus t square by 2 factorial times new 2 plus t cube by 3 factorial times new 3 and so t raised to the power r by r factorial new r plus t raised to the power r plus 1 by r plus 1 factorial इंटू में क्या हो गया न्यू आर प्लस वन एंड सो। ठीक है, अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी कितने टाइम्स, आर टाइम्स। यानी आपने क्या करा है, आर टाइम्स डेरिवेटिव किया है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो, अगर आप इसका आर टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ये तो हो गया जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यानी मिनिमम आर डेरिवेटिव करना है तो मिनिमम पावर उसकी कितनी होनी चाहिए, आर पावर होनी चाहिए। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो तो विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या हो जाएगा आर, और ये क्या हो जाएगा जस्ट एक बार टी रेज टू द पावर आर का देखते हैं तो पावर आ गई उधर ही, एक पावर क्या होगी कम होगी, दैट इज आर टी आर माइनस वन। देन सेकेंड डेरिवेटिव आर इंटू आर माइनस वन, थर्ड कितना हो जाएगा आर आर माइनस वन आर माइनस टू। यानी थ्री कर रहे हो तो यहाँ पर टू आ रहा है, इस तरीके से आर कर रहे हो तो एक कम आता है, यानी आर माइनस में वन आएगा। तो आर में से आर माइनस वन गया, वन हो गया, यानी आर आर माइनस वन अप टू टू कितना हो जाएगा वन तक हो जाएगा, दिस इज आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल बाय में आर फैक्टोरियल तो यानी कितना हो गया वन हो गया, और इंटू में क्या हो जाएगा न्यू आर। यानी आर है तो डेरिवेटिव की बात करें तो मिनिमम आपको आर पावर तो चाहिए ही, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू न्यू आर। ठीक है, प्लस न्यू आर की बात क्या हो गया है, अब टी रेज टू दी पावर आर प्लस वन का देखो, टी रेज टू दी पावर आर प्लस वन का करोगे तो फर्स्ट टाइम आएगा आर प्लस वन, ठीक है, देन आर प्लस टू सॉरी आर प्लस वन, तो पावर कितनी रह जाएगी आर रह जाएगी, तो ये हो जाएगा आर, फिर आर माइनस वन अप टू टू कितना हो जाएगा आर माइनस सॉरी आर प्लस वन माइनस में आर माइनस में वन हो जाएगा। तो आर प्लस वन में से आर माइनस वन घटाओ यानी टू आ जाएगा, तो आर प्लस वन आर आर माइनस वन अप टू टू कितना हो गया टू हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा आर प्लस वन फैक्टोरियल आ गया बाई चांस, और r प्लस वन फैक्टोरियल बाय में r प्लस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक t आपका बच जाएगा क्योंकि आप ओवरऑल कितने टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो r प्लस वन, r प्लस वन तो इसकी पावर है, लेकिन आपको डेरिवेटिव कितने टाइम्स करना है r टाइम करना है, यानी एक t साथ में बच जाएगा, तो t टाइम ऑफ न्यू r प्लस वन ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में t स्क्वायर बचेगा, ठीक है t स्क्वायर बचेगा, और इस तरीके से आप उसका एक्सपेंशन खोल सकते हो, टू फैक्टोरियल आ जाएगा,
और साथ में आ जाएगा न्यू आर प्लस में टू आ जाएगा एंड सो इस तरीके से चलता रहेगा। अब आप इस डेरिवेटिव में क्या करो, टी की जगह जीरो रख दो, जैसे टी की जगह जीरो रख दोगे ये फैक्टर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा और क्या बचेगा, यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का आर एच जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी और एट पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू आर एच, आर एच मोमेंट देखिए दिया हुआ है एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू क्यू रेज टू द पावर आर माइनस वन पी वेर आर रनिंग फ्रॉम वन टू एंड सो वन टू इंफिनिटी नेचुरल नंबर है, ठीक है। कहता है कि फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द वेरिएबल एक्स एंड ऑल्सो फाइंड आउट द मीन एंड वेरियंस, ऑल्सो फाइंड आउट द मीन एंड वेरियंस, फाइंड आउट मीन एंड वेरियंस, ठीक है। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू न्यू वन, ये क्या थी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई इंटू में पी आई और समेशन एक्स आई इंटू में पी आई, एक्स आई पी आई इसकी जो प्रोडक्ट का सम है वो नथिंग बट क्या होता है मीन तो होते हैं, तो यानी आपको एक तो न्यू वन निकालना है, मीन निकालना है, सेकेंड है न्यू टू और न्यू टू किसके बराबर था, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी क्या था एक्स आई का स्क्वायर माइनस इंटू में क्या हो गया पी आई हो गया, ठीक है। अब जो वेरियंस था, वेरियंस क्या होता था, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये होता था दिस इज इक्वल टू वेरियंस। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या है न्यू टू है माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दैट इज न्यू वन का स्क्वायर, ये क्या हो गया वेरिएंस हो गया, यानी आपको एक तो काम करने न्यू टू निकालना है और एक काम करने न्यू वन निकालना है, देन आप क्या निकाल सकते हो वेरिएंस। तो सबसे पहले हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं, तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिस इज इक्वल टू समेशन आर फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी t raised to the power r by r factorial into में new r, where new r is the r central moment about mean। अब आपको अगर new r पता चल जाए तो आप moment generating function निकाल सकते हो, तो सबसे पहले हम न्यू वन निकालते हैं, तो न्यू आर जो है याद हो आर एक डेरिवेटिव था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी एट टी इज इक्वल टू जीरो, यानी आप सबसे पहले न्यू वन निकालो, तो न्यू वन जो है वो कितना आ जाएगा इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन याद हो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स, ठीक है। अब आर की वैल्यू देखो आप कहां से कहां तक रन होनी है, वन से लेकर के इंफिनिटी, मतलब आर जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कैसा वेरिएबल होगा x जो है दिस इज p x इज इक्वल टू r, दिस इज इक्वल टू q रेज टू द पावर r माइनस वन इंटू में क्या था p था, ठीक है। यानी x जो है कैसा वेरिएबल है, दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या था r फ्रॉम वन टू इंफिनिटी और ये क्या बन जाएगा दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t r इंटू में इनकी करेस्पॉन्डिंग pmf और PMF क्या होगी दैट इज P एट x इज इक्वल टू R और ये क्या बन जाएगा समेशन R फ्रॉम वन टू इंफिनिटी E रेज टू द पावर TR इंटू में Q रेज टू द पावर R माइनस वन इंटू में क्या बन जाएगा P बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो यहां से P बाय Q बाहर निकालो, P बाहर निकालो Q बाहर निकालो तो ये बन जाएगा R फ्रॉम वन टू इंफिनिटी e raised to the power t r और ये बन जाएगा q raised to the power r बन जाएगा,
ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू पी बाय क्यू समेशन आर फ्रॉम वन टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर टी इनटू में क्यू रेज टू द पावर कितनी हो गई आर हो गई है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं पी बाय में क्यू इनटू में क्या लिख सकते हैं क्यू ई रेज टू द पावर टी इनटू में क्या लिख दिया समेशन आर फ्रॉम वन टू इंफिनिटी क्यू ई रेज टू द पावर टी और रेज टू दी पावर आर माइनस वन थी। ये पावर आर है, एक आप पावर बाहर निकालो तो पावर कितनी बचेगी आर माइनस वन होगी, ठीक है। अब आप इसकी सीरीज एक्सपेंशन खोल दो तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके बराबर आ गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम एक्स टी दिस इज इक्वल टू पी बाय क्यू इनटू में क्यू ई रेज टू दी पावर टी दैट इज क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया समेशन आर फ्रॉम वन टू इंफिनिटी क्यू ई रेज टू दी पावर टी रेज टू दी पावर कितना हो गया है आर माइनस वन हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा पी ई रेज टू दी पावर टी हो जाएगी, जैसे ही आप आर को वन पुट करोगे तो ये वन हो जाएगा, आर को आप टू पुट करोगे तो ये हो जाएगा क्यू ई रेज टू दी पावर क्यू इंटू ई रेज टू दी पावर टी प्लस क्या हो गया क्यू ई रेज टू दी पावर टी का स्क्वायर एंड सो, ठीक है। अब देखो ये कैसे सीरीज बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है और इनफाइनाइट सीरीज है तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, सम का फॉर्मूला लगा दो, दिस इज ए, ए कितना हो गया वन, बाय में कितना होता है वन माइनस आर, कॉमन रेशियो आप देख सकते हो कॉमन रेशियो जो है दिस इज इक्वल टू क्यू ई रेज टू दी पावर टी आ गया है, तो ये बन जाएगा पी ई रेज टू दी पावर टी बाय में वन माइनस में क्यू ई रेज टू दी पावर टी बन जाएगा, ठीक है। तो यानी ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया है। अब हमें पता है न्यू वन जो है न्यू आर जो है वो क्या था आर एफ डेरिवेटिव था किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एट टी इज इक्वल टू जीरो पर, सही है। तो अगर आपको न्यू वन, एक तो न्यू वन चाहिए क्योंकि मीन चाहिए, मीन जो है न्यू वन के बराबर थी और वेरियंस के लिए हमें न्यू टू निकालना था तो सबसे पहले हम न्यू वन निकालते हैं, न्यू वन क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का और लास्ट में हमें टी को क्या रख देना है जीरो पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप जब भी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी ई रेज टू दी पावर टी बाय में क्या हो जाएगा वन माइनस में क्यू ई रेज टू दी पावर टी का स्केल और आपको टी की जगह क्या रखना है जीरो रखना है। टी को जैसे ही जीरो रखोगे आंसर आ जाएगा पी बाय में वन माइनस में क्यू आ जाएगा स्केल है, दिस इज वन माइनस क्यू का क्या हो गया स्केल हो गया, वन माइनस क्यू किसके बराबर होता है पी के बराबर होता है, दिस इज पी स्केल यानी आंसर आ गया है वन बाय में पी हो गया है। तो न्यू वन आ गया, तो न्यू वन जो है नथिंग बट मीन होता है यानी मीन जो है वो कितना हो गया वन बाय में पी आ गया। अब आपको क्या करना है वेरियंस चाहिए, वेरियंस के लिए आपको न्यू टू चाहिए तो न्यू टू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब आप इसको सोल्व कर लोगे इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव का दिस इज इक्वल टू पी ई रेज टू दी पावर टी वन प्लस में क्यू ई रेज टू दी पावर टी बाय में वन माइनस में क्यू ई रेज टू दी पावर टी का क्या हो जाएगा क्यू। अब आपको क्या रखना है टी की जगह जीरो रखना है, जैसे ही आप टी की जगह जीरो रखोगे न्यू टू की वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू वन प्लस क्यू बाय में पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू वन आ गया न्यू टू आ गया तो वेरियंस हमें पता है दिस इज इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू वन का स्क्वायर, तो न्यू टू हो गया वन प्लस क्यू बाय में पी स्क्वायर और न्यू वन था वन बाय पी दैट इज स्क्वायर इज वन बाय पी स्क्वायर और ये हो जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे क्यू बाय में पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी निकाल सकते हो, मीन भी निकाल सकते हो और आप क्या कर सकते हो वेरियंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में शो दैट फॉर द रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो पीडीएफ है वो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू ए वेर ए इज माइनस ए टू ए लाइक कर रहे हैं द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दे ही दिया है अबाउट ओरिजिन दिया हुआ है वन बाय में ए टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी
ठीक है। अब क्या करना है, एक तो शो करने की मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू इतनी आएगी। सेकेंड कहते थे ऑल्सो प्रूव दैट मूवमेंट ऑफ इवन ऑर्डर, दैट इज मूवमेंट जिनका जो इंडेक्स है वो क्या हो, इवन हो, ये किसके बराबर आए, ए रेज टू द पावर 2n बाय में 2n प्लस में 1 आ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू इंटरवल के बीच में लाई कर रही है, यानी जो वेरिएबल है वो कैसा है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स और इनटू में सॉरी दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स हो गया। ठीक है, और इन केस ऑफ कंटिन्यूस की बात करें, दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से कितना दिया हुआ है, माइनस इंफिनिटी से एक्स तक। ठीक है, और ई रेज टू द पावर टी एक्स और ये हो जाएगा एफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, x की वैल्यू आपको देखनी है माइनस ए से ए लाई कर रही है, तो दिस इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर डी एक्स और एफ एक्स और डी एक्स, यहाँ माइनस इंफिनिटी से x नहीं है, मतलब जो भी x की वैल्यू लाई कर रही है दैट इज x जो है किस रेंज में है, माइनस ए टू ए, तो यहाँ माइनस ए टू ए लेना है। तो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 बाय 2 ए, दैट इज दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 ए टाइम ऑफ माइनस ए टू ए ई रेज टू द पावर टी एक्स और ये हो गए डी एक्स। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 ए टी टाइम ऑफ ई रेज टू पावर ए टी माइनस में ई रेज टू द पावर माइनस ए टी। ठीक है, इस टू को आप इधर ले आओ और ये किसके बराबर होता है, साइन हाइपरबोलिक एटी के बराबर होता है, यानी 1 बाय 80 साइन हाइपरबोलिक एटी। तो सबसे पहले तो काम क्या था, आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना था और शो करना था कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इतना होगा। नेक्स्ट अब हमें क्या प्रूव करना है, जो मोमेंट्स है जिनका इवन इंडेक्स हो वो किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2n, यहाँ n मान लो, बाय में क्या होगा 2n प्लस में 1 होगा। इसे प्रूव करने के लिए हम साइन हाइपरबोलिक at का सीरीज एक्सपेंशन का यूज करेंगे। साइन हाइपरबोलिक x की सीरीज एक्सपेंशन होके दिस इज इक्वल टू x प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की 5 बाय में 5 फैक्टोरियल प्लस x की 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 बाय में 80 इनटू में हो गया साइन हाइपरबोलिक 80 हो गया है। तो साइन हाइपरबोलिक 80 का सीरीज एक्सपेंशन खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की जगह 80 आ गया है, दैट इज 80 प्लस में 80 का क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल प्लस कितना हो गया 80 की पावर 5 बाय में 5 फैक्टोरियल प्लस 18 की पावर 7 बाय में 7 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, अब 80 सब में से कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 80 का स्क्वायर बाय में 3 फैक्टोरियल प्लस 80 की पावर कितनी हो जाएगी 4 बाय में 4 फैक्टोरियल प्लस 80 की पावर 6 बाय में 6 फैक्टोरियल एंड सो। ये सीरीज एक्सपेंशन आ गया किसका, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। जो है ये क्या हो गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन आ गई है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने किया था जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसका सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस न्यू 1 टी प्लस न्यू 2 टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस कितना होता था न्यू 3 टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस न्यू 4 टी की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो। कहीं ना कहीं ये भी आएगा न्यू की न्यू ये जो 2n हो जाएगा और t की पावर 2n बाय में 2n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये भी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है और ये भी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। अब बोथ साइड क्या करो, t की पावर 2n का कोफिशियंट कंपेयर कर दो, तो t की पावर 2n का कोफिशियंट यहाँ पर कितना है, दिस इज इक्वल टू a की पावर 2n बाय में 2n प्लस 1 फैक्टोरियल।
ठीक है। और यहाँ जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में टी की पावर 2n का जो कोफिशियंट है वो आ जाएगा न्यू ऑफ 2n बाय में कितना हो जाएगा 2n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा a की पावर 2n बाय में हो जाएगा 2n प्लस 1 इनटू में क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू न्यू 2n बाय में 2n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया तो न्यू 2n दिस इज इक्वल टू a की पावर 2n बाय में कितना हो जाएगा 2n प्लस में 1 आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो मोमेंट्स है हैविंग इवन इंडिसेस दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 2n बाय में 2n प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, क्या दिया हुआ है, इफ द मोमेंट ऑफ द वेरिएट डिफाइंड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर आर दिस इज इक्वल टू 0.64, आर इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो शो दैट की प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल टू 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मोमेंट्स दी हुई है और आपको क्या करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है करेस्पॉन्डिंग टू 0, करेस्पॉन्डिंग टू 1 एंड करेस्पॉन्डिंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले देखो आर जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी जो ये रैंडम वेरिएबल है एक्स वो कैसा रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यानी ये जो है ये क्या बन गई है, पीएमएफ हो गई है। तो डिस्क्रीट के केस में हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता है दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स, और डिस्क्रीट के केस में बात करें एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया आर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और ई रेज टू द पावर टी एक्स, और या टी आर रन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा दिस इज पी एम एफ करेस्पॉन्डिंग टू आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एफ एक्स है एफ एक्स किसका काम कर रहा था, पी एम एफ का काम कर रहा था, और पी एम एफ इस बार क्या है डिस्क्रीट के केस में प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू आर। अब आप इसका सीरीज एक्सपेंशन खोलो, जैसे ही आर को जीरो रखोगे रेज टू पावर जीरो तो हो गया वन हो गया, तो ये कितना बन जाएगा पी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, आर को वन रखेंगे तो ई, और ये क्या बन जाएगा टी और पी करेस्पॉन्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कितना बन जाएगा। इस तरीके से हम सीरीज एक्सपेंशन खोल सकते हैं, सपोज दिस इज आर फ्रॉम टू से लेके कितना हो गया इन्फिनिटी हो गया ई रेज टू द पावर टी आर एंड प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहां से देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर आर दिस इज इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है। अब आपको याद हो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है ये थी एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर टी एक्स, तब हमने e रेज टू द पावर टी एक्स का सीरीज एक्सपेंशन खोला था, ये बन गया था 1 प्लस टी एक्स प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब एक्स क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल प्लस टी की 4 एक्स की 4 बाय में 4 फैक्टोरियल एंड सो, यही था। और ये हमने अलग अलग किया था तो ये बन गया था 1 प्लस में t टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस t स्क्वायर एक्सपेक्टेड बाय में 2 फैक्टोरियल इनटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस कितना हो गया t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब प्लस t की 4 बाय 4 फैक्टोरियल इनटू में क्या हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू द पावर 4 हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो x की पावर r है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 0.6 दी हुई है, किसके करेस्पॉन्डिंग r इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सोन के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये जो चीज है किसके बराबर आ गया था, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये आ गया है पीएमएफ करेस्पॉन्डिंग टू 0 प्लस e रेज टू द पावर t और कितना हो गया है PMF corresponding to at x is equal to 1
प्लस समेशन आर फ्रॉम टू से इंफिनिटी, और ये हो गया है e रेज टू द पावर टी आर एंड टी एम एफ करेस्पॉन्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू आर हो गया है। ठीक है, अब याद हो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर आर थी दिस इज इक्वल टू न्यू आर थी, तो ये जो सीरीज एक्सपेंशन लग गया था वन प्लस में टी टाइम्स ऑफ न्यू वन प्लस टी स्क्वायर बाय में टू फैक्टोरियल टाइम ऑफ न्यू टू एंड सो। ठीक है, अब आप क्या करो, अब जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है तो इसे लिखा जा रहा था यानी वन प्लस टी टाइम ऑफ न्यू वन प्लस टी स्क्वायर बाय में टू फैक्टोरियल टाइम ऑफ न्यू टू प्लस टी क्यूब बाय में थ्री फैक्टोरियल टाइम ऑफ न्यू क्यूब एंड सो। ठीक है, अब जो न्यू वन था, न्यू वन क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो गया, और न्यू टू है वो कितना था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया है, और जो न्यू थ्री है वो कितना हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब हो गया है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू दी पावर आर कितना गिवन है, 0.6 गिवन दिया हुआ है, आर 1, 2, 3 एंड सो। ठीक है, यानी न्यू वन की वैल्यू भी 0.6 है, तो वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस में 0.6 टाइम ऑफ टी आ गया, फिर आगे न्यू टू भी कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ, यानी 0.6 टाइम ऑफ टी स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल हो गया, प्लस कितना हो गया, 0.6 इंटू में टी क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल हो गया एंड सो। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहां से 1 जो है 1 को आप लिख सकते हो 0.4 प्लस में 0.6 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 0.1 को तो तोड़ दिया हमने 0.4 प्लस 0.6 में, और जो बाकी टर्म है उन्हें हमने एचटीस लिख दिया, 0.6 टी प्लस 0.6 इंटू में टी स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, देन 0.6 टाइम ऑफ टी क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, अब ये हो गया 0.4 और 0.6 जो है सब में से कॉमन आ गया, क्या बन जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल एंड सो। अब जो ये सीरीज एक्सपेंशन था याद हो किसका होता है, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी का एक्सपेंशन होता है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 प्लस 0.6 टाइम ऑफ ई रेज टू पावर टी। लेकिन जब हमने यहाँ सोल्व किया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, पी एम एफ करेस्पॉन्डिंग टू जीरो प्लस e रेज टू द पावर t इंटू पी एम एफ करेस्पॉन्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन r फ्रॉम 2 से इंफिनिटी e रेज टू द पावर t r पी एम एफ करेस्पॉन्डिंग टू r। अब आप इसको इससे कंपेयर करो, तो ये भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, तो कंपेयर करने पर करेस्पॉन्डिंग टू जो जीरो पी एम एफ है वो तो आ जाएगी 0.4 आ जाएगी, और करेस्पॉन्डिंग टू 1 जो है पी एम एफ कितनी हो जाएगी, 0.6 आ जाएगी। और बाकी हम बात करें एक्स इज इक्वल टू आर, जहां पर आर की वैल्यू होगी स्टार्टिंग मिनिमम वैल्यू होगी 2 देन 3 एंड सो, तो ये कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुए हैं, क्वेश्चन में है कि फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रेंडम वेरिएबल हूज मोमेंट्स आर, दैट इज न्यू आर आपको गिवन है आर प्लस 1 फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर आर। अब आपको क्या करना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमें पता है दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टी टाइम्स ऑफ न्यू 1 प्लस टी स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल टाइम ऑफ न्यू 2 प्लस टी क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल टाइम ऑफ न्यू क्यूब एंड सो, यही होता है। ठीक है, अब न्यू 1 की वैल्यू हमें पता है कि न्यू 1 की, या इसको हम पहले सीरीज में ही तोड़ देते हैं, सीरीज में हम लिखें तो r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी हो गया t रेज टू द पावर r बाय में r फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, न्यू r हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t रेज टू द पावर r बाय में r फैक्टोरियल, न्यू r की आप वैल्यू रख दो, दैट इज r प्लस 1 फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर r। अब r प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है r प्लस 1 इंटू में r फैक्टोरियल, ताकि r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बन जाएगा r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी r प्लस 1 टाइम ऑफ t रेज टू द पावर r इंटू में 2 रेज टू द पावर r,
यानी और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आर फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी आर प्लस वन टू टी रेज टू दी पावर आर हो गया है। अब आप इसको सीरीज एक्सपेंशन खोलो तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कितना हो गया है, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया था आर फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी आर प्लस वन और ये हो गया था टू टी रेज टू दी पावर आर। ठीक है, जैसे ही आप आर को जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आर को आप क्या रखो वन रखो तो जैसे ही आर को वन रखोगे तो वन प्लस वन टू हो गया इंटू में टू टी हो गया, देन क्या हो जाएगा थ्री टाइम टू टी का क्यूब हो जाएगा सॉरी स्केयर हो जाएगा, देन फोर टाइम टू टी की पावर थ्री हो जाएगी, देन फाइव टाइम टू टी की पावर कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में मोमेंट्स गिवन थे, आपको क्या फाइंड आउट करना था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट है, अभी तो हमने पढ़ा कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन, नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी पॉइंट ए। ठीक है, अब आपको कोई भी पॉइंट ए पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है तो क्या बनेगा, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एट एनी पॉइंट ए दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी टाइम ऑफ एक्स माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिन था तो ओरिजिन के केस में ए जीरो हो गया था तो ये बन गया था एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स हो गया था, लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट ए के अबाउट निकालना है तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी टाइम ऑफ एक्स माइनस ए। अगेन आप e की पावर e की सीरीज खोल दो एक्सपोनेंट की सीरीज खोल दो तो ये बन जाएगा वन प्लस टी टाइम ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा टी स्केयर बाय में टू फैक्टोरियल और टी स्केयर बाय में टू फैक्टोरियल टाइम ऑफ एक्स माइनस ए का स्केयर हो जाएगा प्लस टी क्यूब बाय में थ्री फैक्टोरियल टाइम ऑफ एक्स माइनस में ए का क्यूब हो जाएगा एंड सो। ठीक है, अगेन एडिटिविटी प्रॉपर्टी यूज करो एक्सपेक्टेशन की तो ये बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वन प्लस टी टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस में ए प्लस टी स्क्वायर बाय में टू फैक्टोरियल टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस में ए का स्क्वायर प्लस टी क्यूब बाय में थ्री फैक्टोरियल टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस में ए का क्यूब एंड सो। ठीक है, अब आपको याद हो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए की पावर आर की बात करें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए की पावर आर तो इन केस ऑफ डिस्क्रीट की बात करें तो ये तो हो जाएगा एक्स माइनस में ए रेज टू द पावर आर इन टू उसकी पीएमएफ हो गई। ठीक है, पीएमएफ जो भी है ये या इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी एट एक्स इज इक्वल टू आर, ये तो है डिस्क्रीट के केस में। और कंटिन्यूस के केस में बात करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए रेज टू द पावर आर इन टू उसकी पीडीएफ। ठीक है, इसका ये इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वन जो है वो तो होता है वन हो गया प्लस में टी टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए। याद हो हमने मोमेंट के चैप्टर में हमने मोमेंट थ्री टाइप की पढ़ी थी, एक तो था मोमेंट अबाउट मीन देन द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट और देन आपका था मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इसको हमने सेंट्रल मोमेंट बोला था दैट इज इसको नोटेशन दी थी म्यू आर से। ठीक है, एनी पॉइंट के लिए म्यू आर डैश और ओरिजिन के लिए यूज किया था म्यू आर। जो म्यू आर डैश था म्यू आर डैश का मीनिंग था आपको अर्थमेटिक मीन लेना है किसका एक्स माइनस में ए रेज टू द पावर आर इंटू में उनकी करेस्पॉन्डिंग क्या थी फ्रीक्वेंसीज थी और बाय में क्या था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था। अब ये एफ आई बाय में एन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब आप नंबर को कितनी बार वो रिपीट कर रहे हैं बाय में टोटल नंबर ऑफ आइटम दिस इज इक्वल टू पी आई इंटू में एक्स माइनस में ए रेज टू द पावर आर होता था।
ठीक है, मतलब ये जो पीएमएफ थे इनटू भी क्या था एक्स माइनस में ए रेज टू द पावर आर, यानी यही चीज बन गई। ये जो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस में ए रेज टू द पावर आर इनटू में पी आई, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस में ए रेज टू पावर आर दिस इज नथिंग बट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, यानी बात करें तो ये होता था म्यू आर डैश होता था। तो सीरीज एक्सपेंशन जब खोलोगे तो ये बन जाएगा म्यू वन डैश हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर बाय में टू फैक्टोरियल टाइम ऑफ म्यू टू डैश हो जाएगा प्लस टी क्यूब बाय में थ्री फैक्टोरियल टाइम ऑफ म्यू क्यू डैश सॉरी म्यू थ्री डैश हो जाएगा एंड सोन। तो ये आ जाएगी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इन पर्टिकुलर आप एक ही जगह इसका अर्थमेटिक मी ले लो, यानी एक ही जगह अगर म्यू ले लें तो सीरीज एक्सपेंशन क्या बन जाएगा वन प्लस में टी म्यू वन डैश की जगह नोटेशन क्या हो जाएगी म्यू वन हो जाएगी प्लस टी स्क्वायर बाय में टू फैक्टोरियल म्यू टू हो जाएगा एंड सोन। ठीक है, नेक्स्ट है इस इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, ओरिजिन मतलब अगर पहले वो जीरो पे था, मान लो जैसे कि कोई वेरिएबल यहाँ ओरिजिन जीरो है तो ओरिजिन किसको बना दो ए पर बना दो सपोज एक बार के लिए, तो उसके लिए क्या होता है पहले अगर एक्स का काम कर रहे हैं तो वो क्या काम करेगा एक्स माइनस ए का काम करेगा, यानी अगर किसी पार्टिकल की पोजिशन है एक्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये जीरो तो ए के रिस्पेक्ट में जब ए को ओरिजिन बनाओगे तो इसी की पोजिशन कितनी हो जाएगी एक्स माइनस में ए हो जाएगी। स्केल का मतलब किसी फैक्टर से डिवाइड करना, जहां पर कांस्टेंट फैक्टर से डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, मान लो कि कोई पॉइंट है जैसे उसका ओरिजिन चेंज किया एक पॉइंट पर और स्केल चेंज किया मतलब एट वन बाई एच की करेस्पॉन्डिंग, तो उसकी जो पोजिशन आ गई वी जो है दिस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस ए बाय एच, यानी पहले जो तो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स था अब की बात किसके रिस्पेक्ट में जब ओरिजिन जीरो था, लेकिन जैसे ओरिजिन शिफ्ट कर दिया ए पर प्लस जो उसका स्केल चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन हो जाएगा वी हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका निकालोगे वी का निकालोगे, क्योंकि एक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो वी के केस में एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी हो जाएगी। ठीक है, v की वैल्यू रख दो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर t और ये हो जाएगा x माइनस a बाय में कितना हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो अलग अलग कर दो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर tx बाय में h इंटू e रेज टू पावर माइनस टी ए बाय में क्या हो गया है h हो गया है। अब x सिर्फ इसी फैक्टर में है, इसमें x है ही नहीं तो ये कॉन्स्टेंट हो गया तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, यानी e रेज टू पावर माइनस टी ए बाय में h हो जाएगा इंटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर टी एक्स बाय में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व करो तो क्या बचेगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन करेस्पॉन्डिंग टू v दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस एट बाय h इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर x t बाय में h हो गया और एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू पावर x t बाय में h दिस इज नथिंग बट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x हो गया है, लेकिन फंक्शन किसका हो जाएगा t बाय में h का हो जाएगा। तो e रेज टू द पावर माइनस टी और ये क्या हो गया है h हो गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ओरिजिन चेंज कर दो प्लस उसका स्केल चेंज कर दो तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो t है उसकी जगह क्या हो जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ t बाय h आ जाएगा और साथ में e की पावर माइनस ए टी बाय में h से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर a जो है मतलब a जो स्केल ओरिजिन जो है किस तरीके से चेंज कर गया a जो है वो मीन के ही बराबर हो जाए
और h जो है सिग्मा के ही बराबर हो जाए, ठीक है। तो v क्या था, x माइनस a, a की जगह हो गया म्यू बाय में सिग्मा। याद हो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट था जिसकी नोटेशन हमने दी थी z से, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के केस में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इन केस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, दैट इज किसका हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आएगा v का और जो कि फंक्शन है t का, यानी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन करेस्पोंडिंग टू स्टैंडर्ड वेरिएट, दिस इज इक्वल टू, अब यहां से देखो a की जगह तो क्या आ गया म्यू आ गया, तो यानी e रेज टू पावर माइनस म्यू t बाय में h, h की जगह क्या ले लिया है सिग्मा ले लिया, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू में क्या हो गया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ t बाय h, t बाय h मतलब t बाय में कितना हो गया है सिग्मा हो गया है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ कितना हो गया एक्स माइनस म्यू बाय में सिग्मा हो गया है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू सिग्मा तो कांस्टेंट हो गया, वन बाय में सिग्मा टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस में क्या हो गया म्यू हो गया है। अब इसकी प्रॉपर्टी एडिटिविटी यूज करें तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू हो गया है, ठीक है। ये हो गया वन बाय में सिग्मा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस में कितना हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू, दिस इज इक्वल टू अगेन म्यू हो गया है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स याद हो ये भी मीन के बराबर होती है, ये भी मीन हो गया, तो ये कितना हो गया जी हो गया। तो हम यहां से भी प्रूव कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड नथिंग बट मीन था करेस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो यानी जो मीन होता है करेस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट वो कितना था जीरो था, ठीक है। अब वेरिएंस की बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस में म्यू बाय में सिग्मा। अब वेरिएंस जो है याद हो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड का होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के करेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड दैट इज मीन जो वो तो जीरो आ गया, यानी ये बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस में म्यू का स्क्वायर बाय में सिग्मा का स्क्वायर हो गया, तो वन बाय में सिग्मा स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस में म्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो इसको खोल दो, वन बाय में सिग्मा स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस में टू म्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा वेरिएंस करेस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, दिस इज इक्वल टू वन बाय में सिग्मा स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस में टू म्यू टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन बाय सिग्मा स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस में टू म्यू और इनटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज मीन हो गया, यानी टू म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया वन बाय में सिग्मा स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वन बाय में सिग्मा स्क्वायर और ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स के करेस्पॉन्डिंग जो मीन था वो म्यू था और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा है, तो एक्स के करेस्पॉन्डिंग जो वेरिएंस होगा दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये सिग्मा स्क्वायर बन गया, वाई में सिग्मा स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया वन हो गया, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के अंदर जो मीन है वो तो जीरो होता है और जो वेरिएंस है वो कितनी होती है वन होती है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, थैंक यू स्टूडेंट्स।